इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का झाबुआ में नामांकन दाखिल कराया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया केंद्र सरकार पर जमकर बरसे, जहां जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर देश में एकल राजतंत्र शुरू करने पर जोर दे रही है। वहीं कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी प्रत्याशी अनिता चौहान पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, संजय खंडेलवाल, कांग्रेस विधायक समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तेरह मई को इलेक्शन होने वाला है और इसके लिए मैंने आज लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैंने निर्वाचन अधिकारी के सामने मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया और सबमिट करने के बाद रसीद लेके मैं बाहर अभी आया हूँ। तो निश्चित ही अब आज हमारे आज से मैंने शुरुआत हो गई कि हम लोग अब जगह जगह जाएंगे, हमारे मतदाता भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवानों सबसे अनुरोध करेंगे हमें चुनने का, चुनने के लिए तो सब बात चलेगी और इसके लिए मैं आज फॉर्म सबमिट किया है। मोदी जी अब क्या उनने डिलीवर किया दिया देश को, वो बोल नहीं पाते। अब वो क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं मांस मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे, माओवादी, अर्बन नक्सल, ऐसी भाषा। विश्व का ग्लोबल नेता बनना उनको, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, ऐसी भाषा। वो इस वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी सूरत गुजरात में एक सीट थी, वहां पर सारे प्रत्याशियों से एक का छोड़ के वापस नाम ले लिए, जैसे अपन सरपंच के चुनाव में करते हैं कि नहीं करते। अब वहां चुनाव नहीं हो रहा है, जनता घर बैठी है, कोई वोट मांगने नहीं आ रहा है। उनने बिना वोट का सांसद सूरत से पहला नरेंद्र मोदी जी ने बनवा लिया है। वो पूरा देश बिना वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, याद रख लेना आप लोग। तो आप वोट की सरकार चाहिए या बिना वोट की? 13 मई को इलेक्शन होने